Good morning, World's Edge. Yesterday's Apex competition was a heck of a lot of fun. सो है गाइस, एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल गेमिंग गेम में। सो हाजिर है हम एक और वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि इसके अंदर हमें क्या क्या चीज़ें मिलती है, किस टाइप का मैप है और किस टाइप का ये गेम है। इसके अंदर हमें करेक्टर देखना है कि कौन कौन से करेक्टर मिलते हैं, कौन सी सेटिंग है इसके अंदर, कौन कौन सी चीज़ न्यू अपडेट है, वो सारी चीज़ हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। यहाँ पर हमें तीन करेक्टर दिए गए हैं जिसमें से मैं एक को चॉइस कर लेता हूँ और देखते हैं कि ये गेम में किस तरह से आता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं, गेम शुरू करते हैं। गेम प्ले कर रहा है, गेम जब तक प्ले हो रहा है तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दें, साथ ही साथ कमेंट भी कर दें कि आपको किस तरह का गेम देखना है और ये गेम कैसा लगा है। अब हमारा गेम जब के लग चुका है, अब देखते हैं कि हम ये आगे हमें क्या देखने को मिलता है। और ये हमारे तीन करेक्टर आ गए हैं, एक मैं हूँ और दो मेरे साथ मेरे पार्टनर है। शायद ये दोनों अरबी है क्योंकि इनका नाम ही कुछ इसी टाइप का है। क्योंकि ये टाइम चल रहा है, ये ग्रीन वाली लाइन जैसे ही ख़त्म हो जाएगी शायद वैसे ही हमारा गेम लग जाए। जबकि मैं फर्स्ट टाइम ये गेम खेल रहा हूँ तो इतना एक्सपीरियंस है, इससे ज़्यादा नहीं है। खैर चले देखते हैं कि अब होने वाला क्या है। और ये लाइन ख़त्म हो चुकी है और हमारा गेम भी नहीं लगा अब तक। भाई क्या हो गया? और ये लग गया। चलो भाई, ये तीन करेक्टर हम अपने साथ ले आए हैं। अब गेम के अंदर इन आने वाले, यहाँ पर कपड़े चॉइस कर रहा है तो मैं अपना पुराना वाला सूट चॉइस कर चुका हूँ। और ये जा रहा है सीजन वन में, जो कि अब गेम लग चुका है। तीनों करेक्टर के कार्ड्स है और एनीथिंग जो भी है यार। चलो भाई, गेम तो शुरू होने वाला है। वैसे इसके ग्राफिक की तो कोई बात कर ही नहीं सकते, ग्राफिक तो बहुत ही अच्छा है यार इसका। कम रेजोल्यूशन में भी बड़े बेहतरीन किस्म के क्लासिक है। और पबजी की तरह उसी तरह हम जहाज से कूदने वाले हैं। अब देखते हैं यहाँ से कि हम कब कूदेंगे। और हमें आई थिंक हमने फॉलो किया हुआ है, वो हमारे साइड में दो बंदे आ रहे हैं और ये मैप है। चलो यहाँ से जंप करके देखते हैं। ये जंप कर चुके हैं हम और ये हमारी लैंडिंग अभी चल ही रही है। ये कहाँ जा रहे हैं हम? अरे थोड़ा नेट का प्रॉब्लम आ गया, मेरे पास इशू मेरा नेट चले गया यार। चलो कोई बात नहीं, दो मिनट वेट के साथ गेम सेट हो जाएगा। ये हम यहाँ लैंड कर चुके हैं, मेरे सामने एक मशीन है। इस मशीन के साथ क्या करना है ये नहीं पता, वैसे कोई ऑप्शन भी नहीं दे रहा है, बस एक नोटिफिकेशन दे रहा है। तो अब चलते हैं हम कुछ लूट शूट कर लेते हैं। मुझे चंद चीज़ें मिल गई है, आगे देखते हैं। ये वेस्ट मिल गया, मुझे बैंडेजेस मिल गई है और ये क्या है भाई ये नहीं पता। ग्रेनेड भी मिल गई है, ग्रेनेड, ओ भाई ग्रेनेड भी है। गन शन गन 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 कहाँ है, कहाँ है? चलो सामने जाके देखते हैं। यहाँ पे भी बैंडेजेस है, बॉम्ब है और गन नहीं है। नीचे जंप करें नहीं करें? चलो आगे चलते हैं। ऊपर से गन ढूंढते हुए चलते हैं। ये है क्या चीज़ यार, वैसे ये समझ नहीं आ रहा। इसको मैं खोलने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन खुला नहीं। चलो अब आगे जंप करते हैं, प्ले कर और जंप कर दिया, जंप करो। यहाँ पे यहाँ लूटते हैं। यहाँ क्या मिला मुझे? ये खुल के ओ भाई नहीं खुल रहा। ये मार्क का बटन है, ये नहीं खुल रहा है। सर स्कैन करने के भी हमारे पास ऑप्शन है कि बंदा कहीं बिल्डिंग के पीछे हो या आगे हो तो हम देख सकते हैं। तो अब चलते हैं हम, थोड़ा गनशन ढूंढते हैं हमें क्या मिल गया। चलो भाई हेल्थ किट वगैरह मिली गई, ये भी हेल्थ किट का ही काम करता है, पावर पॉइंट है ये वैसे। और ये हमारे पास दूसरा वेस्ट, ओ भाई एक गन मिल गई है। क्या करना है इसके साथ वो देखते हैं। गन लेके भाग रहा है, भागने दो। और नीचे जंप करते हैं, नीचे लूट करते हैं थोड़ा सा। और हमें दूसरी गन्स भी मिल गई है और इसके साथ थोड़ी गोलियां भी मिल गई है। तो ऊपर चलो, ऊपर ऊपर ऊपर। यहाँ भी हमें दूसरी गन मिल गई है, शायद ये स्नैपर वगैरह टाइप की कोई गन है इसके अंदर। वैसे हमने पबजी तो एक टाइम खेला था इसलिए हमें उसके हर एक गन्स का नाम याद है। ये भी खेल लेंगे तो यार इसमें भी याद हो ही जाएगा। अब जबकि हमें बंदे ढूंढने हैं, गन हमारी लूट तो पूरी हो चुकी है, वेस्ट मिल गई है, हेलमेट मिल गया है, गोलियां भी रखी ली हैं और गन भी मिल चुकी है। तो अब चलते हैं थोड़ा सा बंदा ढूंढते कि बंदा है कहाँ पे। इसके अंदर तकरीबन 60 लोग उतरते हैं जिसमें से अभी तक 3 लोग मर चुके हैं। थोड़ा सा नेट मसला कर रहा है मेरा, बाकी सब खैर है। बंदे बंदे बंदे, चलो अभी बंदे ढूंढते हैं। अब जबकि बहुत देर घूमने के बाद हमें आगे बंदा मिल ही गया है तो ये बंदे को फायर करते हैं। ये बंदा एक सामने खड़ा हुआ है और ये निशाना क्यों नहीं ले रहा? स्कैन एरिया पे लगा दिया मैंने, स्कैन एरिया के साथ बंदे बंदे बंदे। ओ भाई मुझे फायर कर रही है, गोलियाँ लग रही है। ओ भाई यहाँ
ये क्या हो रहा है, बंदे सामने बहुत सारे, चार पांच बंदे एक साथ लड़ रहे हैं। और ये क्या, मेरा नेट ख़राब हो गया यार। नेट आ जा जल्दी आ जा, मेरी हेल्थ चले जाएगी। नेट आ जा। असल में यार ये क्या हो गया, मेरे साथ नेट चले गया, मेरा नेट क्यों नहीं आ रहा। अभी नेट सेट करना पड़ेगा। वन सेकेंड, ये मेरी मुझे हिल जा रही है। वही नेट आ गया भाई, मेरे का हेल्थ जा रही है। हेल्थ फुल कर लूँ मैं पहले, फर्स्ट टाइम बैंडेजेस वगैरह लगा लूँ। वाईफाई ऑन कर चुका हूँ मैं, और बैंडेज वगैरह होने दो। और चलो पीछे चले जाते जब तक मेरी हेल्थ सेट हो जाएगी पूरी, क्लियर हो जाएगी। और ओ भाई मेरे सामने बंदा आ गया। नहीं बंदा नहीं है यार, ये लूट है, लूट कर लेता हूँ। और इसमें से मुझे क्या मिला है, कुछ ख़ास चीज़ें तो नहीं मिल रही हैं। खैर फिर भी ले लेता हूँ, आगे चलते हैं। ओ भाई बंदा मार रहा है, मर यार मर। वो भाई मेरा थोड़ा नेट का मसला चल रहा है, वो बंदा मुझे समझ ही नहीं आ रहा कहाँ से कहाँ जा रहा है। वो पर जल कर, चलो भाई शुक्र है डाउन तो हुआ ये। चलो ये तो मर गया, इसको फिनिश कर देता हूँ फटाफट। टैप लग रहा है ये, आई थिंक एसकेएस की तरह चल रहा है यार ये वन शॉट पे। और मरने वाला है, जल्दी मर जा मेरे भाई। क्या है, चलो अब इससे लूट कर लेता हूँ कि इसके पास से मुझे क्या क्या चीज़ है। अबे नहीं मरा, अब हो गई है यार सबसे। चलो अब पूरा फिनिश हो गया, अब लूट कर लेते हैं कि इसके पास से मुझे क्या मिलते हैं। अब वो स्नाइपर वाला गन में फेंकना होगा मुझे, कोई और सा गन ले लेता हूँ। चलो ले लिया। अब आगे चलते हैं जहाँ पर बहुत सारे बंदे थे, और ये मेरे सामने एक बंदा है। ओ भाई ये तो मशीन गन है। लो भाई इसका रिकॉल ही कंट्रोल नहीं हो रहा, मतलब इसको दबा के रखो तो पता नहीं कहाँ से कहाँ चले जा रहा है। और वन वन शॉट करके टिप टिप करके मुझे मारना पड़ रहा है। एक को नॉक कर दिया है, नॉक वाले को उड़ा रहा हूँ मैं। किल मिल जाएगी, किल चोरी, वैसे भी ऐसे किल चोरी पबजी में बहुत होता है। और ये ओ भाई मर जा यार, क्या है, मर ही नहीं रहा, कमीना। ओ मर चुका। ओ भाई किल मिल गए मेरे, तकरीबन एक ही किल। हद हो गई है यार कसम से। दूसरा बंदा वो नॉक पड़ा है, उसे भी मैं नॉक मार देता हूँ। और ये लग रहा है, लगते ये शायद मरने ही वाला है। अभी तक मेरे एक ही किल है यार, हद हो गई है। मतलब वो मेरे सामने बंदा है, और चलो चलो के देखते हैं भाई। ये सारे लूट कर लो भाई, मेरे पास गन अच्छी नहीं है। मुझे नहीं पता इसके अंदर कौन सी गन अच्छी चलती है कौन सी नहीं, तो अभी सिर्फ ट्राई कर लिया। मैं गन उठाई जा रहा हूँ, ये बंदे की फुट स्टेप आ रही है, और मैंने स्केयरिंग पे लगा दिया है जगह। और इसके पीछे दो बंदे हैं भाई, दीवार के पीछे। चीज़ें लूट लो, लूट के मैं घूम के जाके इन्हें मारूंगा अभी, रुको दो मिनट के लिए। और ये मैं पीछे आ गया हूँ, पीछे ओ मेरे सामने बंदे। ओ मैंने दो ग्रेनेड फेंक के चेक करता हूँ कितने नॉक होते हैं। नहीं नॉक तो कोई नहीं हो रहा, और मेरे सामने ये बंदे आए हुए हैं। दूसरा ग्रेनेड देखा। ओ भाई फिर से नेट थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। लगता है गन निकाल के मारना होगा, मैंने गन निकाला। ओ ये देखो, आप देख सकते हैं यार थोड़ा सा नेट प्रॉब्लम क्या हो गया, नेट को आज समझ से बाहर है। बंदे मार देंगे मुझे इतना देर में तो। एक मेरे सामने है, ओ भाई ये कमीना मुझे देख ही नहीं रहा, लगता नौबड़ा है, नौब है कोई। न्यू न्यू गेम है ना, इसलिए किसी को खेलने नहीं आता। हम पबजी के पुराने प्लेयर है, इसलिए हमसे अच्छा खेला जाता है। और भाग के कहाँ जाएगा बेटा, रुक बता रहा हूँ तुझे मैं। ये तो मेरा ही प्लेयर है, खैर कोई बात नहीं, चलते हैं अब अपने आगे की तरफ। स्कैनिंग पे लगा दिया है, और वो सामने से एक बंदा मेरे ऊपर फायर कर रहा है, बता रहा हूँ। ये मरने वाला है, वो जम करके पीछे चले गए है, उसके पीछे जा रहा हूँ तो वापस आ गया। लोग वैसे इसका रिकॉयल वगैरह मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। अब जब तीन नॉक मिल चुका है तो इसको भी फिनिश करके इसको भी छूट लेते हैं, देखते हैं इसके अंदर मिलता क्या क्या है। तो चंद चीज़ें गने मिली हैं, एमो शमो सब कुछ मिल गया है, तो इसको फेंक देते हैं। अब चलते हैं अपने अगले की जाने। अभी तक मैंने दो ही किल किया है, वाह यार न्यू गेम है तो इतना अंदाजा नहीं हो रहा है। हाँ चलो आगे चलते हैं, चलो चलो कम ऑन फॉलोवर, आ जाओ मेरे साथ। मैंने मैसेज भेज देता हूँ, सारे के सारे मेरे साथ आ जाएंगे, अपनी हेल्थ पावरफुल कर सकता हूँ मैं। और अब आगे जाने की तैयारी, स्कैनिंग पे भी लगा दिया है पूरी जगह। चलो आगे चल के देखते हैं और बंदे मिलेंगे कहाँ।
जैसे हमें पबजी के अंदर देखने में रेड जोन ब्लू जोन मिला था, उसके अंदर भी जोन है ना, ये देखे आप, ये सामने मेरा रेड जोन आ रहा है, इससे हमें दूर भागना है नहीं तो ये हमारी हेल्थ खा जाएगा। तो चलो यहाँ से निकलते हैं हम, जबकि ये हमारे ऊपर चढ़ जाए। मुझे पहले लगा ये स्कैन हो रहा है ना जगह, लेकिन बाद में पता चला कि ये हेल्थ खा रहा है, तो ये रेड जोन है जिससे हमें बच के भागना होगा। और वो मेरे सामने एक बंदा है, उसको फटाफट मुझे मारना पड़ेगा, नहीं तो रेड जोन में मैं मरूंगा। बंदा नहीं है तो बंदा समझा रहे, आगे बंदे हैं तो यहाँ से आगे चलते हैं और देखते हैं कि हमें कितने बंदे यहाँ पे मिलते हैं। स्कैनर को लगाए हुए बहुत सारे बंदे, कहीं में पकड़ लेना पड़ेगा। एक 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 को नॉक कर दिया। चलो चलो दूसरा बंदा सामने से मारो, ये भी गया, दो बंदे नॉक। इस जोन के अंदर जाना पड़ेगा मुझे जल्दी से। मेरा गन रीलोडिंग पे है, हेल्थ किट है, बैंडेज है, ये भी डाउन हो गया। बहुत कम बंदे रह गए, वैसे 11 बंदे रह गए। जोन की टाइमिंग शुरू हो चुकी है, दो मिनट में सारे जोन खत्म हो जाएंगे। ओ भाई ये एक बंदा, ये रहा, ये कहाँ चले गया यार, ये क्या चाहिए यार, लग गया रिकॉर्डिंग, ये भी डाउन हो गया। चलो देता हूँ, फिनिश हो चुका है ये भी। अब आगे चलते हैं, बहुत कम बंदे रह गए। मैंने 11 किल कर चुका है अब तक, मैंने 11 किल कर लिया है। चलो भाई आगे देखते हैं और कितने बंदे मुझे मिलते हैं। स्कैनिंग पे लगा दिया है पूरा एरिया, बंदे किसी भी पत्थर के पीछे होंगे वो नज़र आ जाएंगे। इससे पहले के जोन आए, जोन के अंदर चलते हैं। जोन में मैं आ चुका हूँ और चलो अब बंदे सर्च करते हैं कि बंदे हैं कहाँ पर ना। तो मुझे लगा मेरा एक बंदा डाउन हो चुका है जो कि मरने वाला है, इसे जल्दी से जल्द बचाना है। ये पता नहीं वहाँ क्या करने चले गया था और मैं अब जा रहा हूँ उसे बचाने के लिए। जल्दी 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 जल्दी, बहुत दूर पर मरा है। ओके 75 दूर है मुझसे ये, जल्दी जल्दी वो पूरा मार देगा यार उसे। जल्दी स्लाइड है मार मार, स्कैनिंग पे एरिया लगा दिया ताकि पता चल जाए कि बंदे यहाँ हैं। और ये देखो जोन कितना करीब है मेरे, हालांकि मुझे जोन से ही मर जाऊँगा मैं, ऐसा लग रहा हूँ उसे बचाने के चक्कर में। ऊपर जा यार, कहाँ जा रहा है कमीने, ऊपर जा। मैं ऊपर आ चुका हूँ, वो जा रहा हूँ आगे। अरे शिट यार, ये क्या हरकत है, जोन के अंदर है, जोन के लोग सामने बंदा डाउन हो यार। चलो ये तो गया, और यार वो बंदा वहाँ है, क्या करना है मार रहा है उसको। चलो मैं आता हूँ उसको बचा कर ना। अब जबकि मैं उसको बचाने के लिए जोन के अंदर आ ही चुका हूँ तो उसको बचाने जा रहा हूँ। और भाई उसको फिनिश हो गया तो उसने, ओ भाई यहाँ दूसरा बंदा मेरे बंदे को मार रहा है। ऊपर चढ़ के मैं निकल, चलो तो इसको फिनिश करता हूँ। चलो तो इसको भी मार गिरा है, अब जोन से बाहर जाते इससे पहले कि जोन मुझे मार दे। और मेरी हेल्थ बहुत कम हो गई है, हेल्थ मैं जब तक पावर लगा लेता हूँ। अब बैंडेज मैं वैसे बैंडेज जिसका हिसाब नहीं है, इसलिए हेल्थ किट लगा रहा हूँ, डायरेक्ट हेल्थ किट लग रहा है जब तक। और ये थोड़ा टाइम मेरा खैर हेल्थ किट भी लग गई है। चलो अब यहाँ से निकलते हैं, जम करके ऊपर चढ़, ऊपर चढ़ यार, हेल्थ हो गई, ऊपर चढ़ ऊपर ऊपर क्यों नहीं जा रहा। वो सामने से बंदा आ रहा है, वो सामने स्कैनर पे मुझे बंदा दे कर दिया। अब जबकि मुझे इस बंदे की लोकेशन मालूम हो चुकी है तो मैं साइड से जाके इसे मारता हूँ ना, तो वो सामने आ गया यार। ये एक जगह रुक क्यों नहीं रहा, अंदर बाहर चेंज करना पड़ेगा। ये रिटर्न लिंक पे चलेगी, ये सामने खड़ा हुआ ये वाली, और ये वन शॉट वाली कहाँ से आ गई यार। वह मर ही गया इससे। वो भाई एक और बंदे ने फायर किया मेरे ऊपर, मैं जब तक लूट कर लेता हूँ। स्कैनिंग पे कैसे अरे यार मर जा मेरे भाई, मर जा। और ये भी डाउन हो चुका है। अब जब तक मैं अपनी पावर फुल कर लेता हूँ, हेल्थ तो फुल दी है, मेरा वेस्ट खराब हो चुका है। ये मेरा बंदे इसे मार देंगे। चलो कोई बात, एक बंदा मेरे साथ ही खेल रहा है और एक बंदा हमारा मर चुका है जो कि गेम से एग्जिट हो गया। मार देता हूँ, वीडियो वगैरह लूट ही लेता हूँ। और ये मैंने लूट लिया ना, खैर अब आगे चलते हैं, देखते हैं कि और कहाँ कहाँ बंदे हैं। बंदे कितने रह गए, 16 बंदे अभी भी रह गए हैं और अब तक शायद मैंने 6 किल किए बस। वाह बड़ा नाम ख़राब हो जाता है यार, बहुत कम किले ये तो।
हाँ अब आगे चलते हैं। और ये एक बंदा मेरे साथ से भाग रहा है, इसे भी मारता हूँ। और ये पता भी चुका हुआ, ये बाहर निकल गया। ऐसे ऐसे लोग गेम खेल रहे हैं। ये चलो भाई, इसको भी मैंने नॉक कर दिया है, ये भी डैमेज है। इसके भी लगता है यार, ये स्कैनिंग ये क्या है यार, ये क्या है मतलब क्या, ये दो किस्म की चीज़ है, दो किस्म के बंदे, ये क्या है भाई। ऐसे ऐसे अपडेट है, इसमें क्या बताऊँ मैं आपको यार, मुझे खुद नहीं समझ आ रहा कि बंदा कौन है, रियल कौन है और स्केच कौन है। पहले तो मैंने स्केच को मारा है, फिर जाके इस रियल बंदे को मारा है। लूट कर लेते हैं, उसमें ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ मिल गई है। और अपनी पावर लगा लेता हूँ, पावर लगाने में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि रिचार्जिंग माय शील्ड्स। दूसरा पावर भी लग गया है। चलो अब यहाँ से मैं ऊपर जाता हूँ ना, क्योंकि जोन आ रहा है और जोन कहीं हमें ना खा जाए। मैं जोन के अंदर हूँ, यहाँ से गया ऊपर जाए। ओ भाई कहाँ कहाँ, क्लिक पर। चलो भाई ऊपर जा रहा हूँ मैं यहाँ से। यार ग्राफिक देख सकते हो, बड़ा कमाल का ग्राफिक है, कोई इशू नहीं है यार ग्राफिक में, क्या बात है, लाजवाब ग्राफिक है। यहाँ से मैं नीचे जा रहा हूँ, चलो नीचे जाते हैं। और ये मैं नीचे आ गया हूँ यहाँ पे। The old father blesses me with scanning the area. पर है सारी बंदे स्कैनिंग पे लगा दिया है जगह मैंने, तो नहीं रहा खैर मुझे। Reloading. तक तो कोई देखने को ऐसा नहीं मिला। खैर बंदे है कहाँ, पूरी जगह ढूंढ ली है मैंने, यहाँ जगह पे बंदे ही नहीं है यार, पता नहीं कहाँ है, चंद बंदे रह गए, वो भी शायद एक ही स्कॉट है। और रिंग मूवमेंट इन प्रोग्रेस। चलो अब आगे। अब जबकि मैं यहाँ पर आया था तो मुझे यहाँ पर एक बंदा नजर आया जो कि जोन चलने वाला है, एक डेढ़ मिनट में जोन चल जाएगा। ये किल का मीना मेरा डैमेज का पूरा किल ले गया है। अब आगे चलते हैं, वो सामने से चार बंदे आ गए, इसको इनको मारना ज़रूरत कर दिया उसने मुझे, पूरी बैंडेज मेरी खराब, पूरी पूरी बेस्ट खराब कर दी। दूसरे को बैंड मारता हूँ जब तक वो रिवाइव ना कर सके ना। चल पूरा कर लेता हूँ, जल्दी पूरी हो जाए यार, जल्दी हो जल्दी हो जल्दी हो जल्दी हो। चलो हो गया, जब तक ये वो रिवाइव गर्म किया हमने करना। वो सामने वाले मेरे ऊपर बहुत कुत्ते की तरह फायर कर रहा है। और ये टॉप रह चुका है। और जबकि अब यहाँ से निकलना मुझे, मैं यार मैं गन्नेट निकाल रहा हूँ, यहाँ पर गन्नेट नहीं निकला मेरे फेंकने के लिए, पता नहीं क्योंकि मेरा दोस्त ये किसके पीछे छुपा हुआ है। ये रीलोडिंग भी क्यों लग गया, रिंग मूवमेंट इन प्रोग्रेस। क्या कर रहा है यार, ग्रेनेड निकल जा। ओ भाई मदद कर दियो, द केयर पैकेज बीइंग डिलीवर्ड। हां भाई हमारे दूसरा चिकन डिनर इसके अंदर हो चुका है। तो हमने कितना किल किया है भाई, स्कूल 97 हुआ स्कूल लिखा। तो यार आज की वीडियो के लिए इतना ही, आज हमने इसके ग्राफिक वगैरह देखा और गेम की स्मूथ देखी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के अल्लाह हाफिज़। चैनल को लाइक करना ना भूले, सब्सक्राइब करना ना भूले और कमेंट्स करना तो बिल्कुल ही ना भूले।